आइए भैया जी। प्रणाम भैया। कितना है? कितना आप बोले थे? 25 लाख। एसपी साहब तो बोले कि 24.5 लाख। हमारे बीच में एसपी कहां से आ गया जयसपाल? 3.5 लाख का डिमांड किया है हमसे। तुम्हारे 50,000 के सेटलमेंट के चक्कर में 4 लाख का नुकसान हुआ है हमको। कौन करेगा भरपाई? हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया विजयकांत भैया। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम आपका रिपोर्ट लिखवाने एसपी साहब के पास नहीं गए थे। हम तो ये सोच के गए थे कि वो आपके दोस्त हैं, थोड़ा रहम हो जाएगा हम पर। उनको क्या मालूम कि वो आपसे सौदा कर लेंगे? यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। सब रिश्ता जरूरत पे बनता है। जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा वो हमारा दोस्त, और जो हमारी जरूरतों के बीच आएगा वो हमारा दुश्मन। उनको हम क्या समझें, दोस्त के दुश्मन? विजयकांत भैया, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। अब जो कहेंगे हम करेंगे। बस हमारा बेटा का 4 बक्स दीजिए। क्या बच्चा बुतरू जैसा रो रहा है जैसे। जाओ घर जाओ अपने। सुबह होने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी विजयकांत भैया। पान लगा हमारा। हाँ नागा भैया, आप तो बहुत चकाचक लग रहे हैं। और वो लंबा हाथ मारे हैं का? क्या मतलब है तुम्हारा? भैया हाथ में नया नया ब्रेसलेट और नया डिजाइन का मोबाइल और गर्दन में भारी भरकम चेन। लगता है विजयकांत भैया को बहुत बड़ा काम में लगाए हैं आपको। देख रहे हैं आजकल एकदम CID जैसा नजर रख रहे हो। क्या जरूरत है तुमको ये सब जानने की कि हम कहाँ पहन रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं? ज्यादा काबिल मत बनिए, इतना काम हो वही करिए, समझे? अरे वही तो कर रहे भैया, आपका 320 सादा पत्ती के साथ इली थी ना भैया। नागा अभी दुकान से पान खा के गया है, मोटरसाइकिल पे है। हाँ भैया जी हम तो अपना काम कर दिए हैं, अब आगे आप देख लीजिएगा। जी भैया जी। नहीं पता रहा।
मार देंगे गोली। पता है कि नहीं? सच बोल रहा है, मैं नहीं पता। नहीं पता? गोली मार देंगे। हाँ, मैं साला भी बच गया है। मार रहा है। मार साले को। अरे गोली मार। अरे साले। अरे नहीं पता रे? अरे मार के जंगल में डाल दे। बता दे, बता दे भैया। बोल, बोल, बोल। भैया वो सुल्तानपुर के बाहर रामपुर जाने वाला जो रास्ता है, वहीं पे एक मंजिला इमारत है। छुपा के रखे हैं। झूठ हुआ तो सारा जिंदगी खत्म कर देंगे। नहीं सच्ची बोल रहे भैया। सही बोल रहा है ना रे भैया। चल जीप पे डाल। चल 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 और चवनी उछल के कर्जा निकाल के राजा दिल उस्ताद बड़ा खुशबू लगा रहे हैं। हाँ क्या बात है, सच धज के कहीं जा रहे हैं का? सुनिए ना उस्ताद, हमको लग रहा है कि आपको कोनो फिल्म विल्म में काम मिल गया है। छोटा मोटा अर्दली चपरासी का रोल दिलवा दीजिए। चुप साला, लगा जतरा पर टोका टोकी करना है। अरे इतना भी नहीं पूछता है कि इतना तैयार होके हम कहाँ जा सकते हैं? अरे जा रहे हैं अपनी जान सीमा कुमारी से मिलने, जिंदगी का मजा लूटने के लिए, और क्या। लेकिन उस्ताद हमारी मानिए तो आज आप वहाँ बच जाए। कहे रे, कोनो पंडित से जतरा उतरा निकलवा के आया है का? वो बात नहीं उस्ताद, वो सब आप पे गहरा नजर रखने लगा है, यही खातिर हम आपको मना कर रहे हैं। अरे साला साफ साफ बोल, क्या बोल? साफ साफ क्या बोले, साबुन से मुंह धो के बोले का? अरे आप समझते नहीं, हमको बिगड़ते रहते हैं। अरे उस सबको आप पे शक हो गया है। आप रोज रोज चमकी बाई के कोठा पे जाइएगा तो जिसको नहीं पता लगना है ना उसको पता लग जाए। पता लगना है तो लग जाए साला, यहाँ कौन चिंता करता है रे? कौन चिंता करता है? अब तुम साला काय छटपटा रहा है उस सबका चिंता करके? देखते हैं कौन साला आपको क्या बोलता है, देखते हैं। कौन कुछ बोल दिया तो आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे मतलब? अरे साला माथा में छेद कर देंगे हम, ऐसे जानता नहीं हमको? रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। ऐसा ऐसा अंगरू मंगरू से डराने लगे ना तो हो गया हमारा काम। जिसको जौन करना है कर ले, देखते कौन साला हमारा का उखाड़ लेता है। हट हट हट। का बात बा, ऐसा गुमसुम का है बड़ू? कुछ ना, बस ऐसे ही। जब कवन बात कहे के ना होके छुपावे के होके तो ये कहल बहुत बढ़िया लागेला कि बस ऐसे ही। ऐसी कोनो बात नहीं के माय। हेलो। हाँ दीदी, बिंदा बोल रहे हैं। अरे हाँ पता बा, तोरा नाम मोबाइल पे आ रहल बा, बोला। अरे वो लड़कावा का पता मिल गया है। खबर तो बहुत ही बढ़िया बा, कहाँ रख ले बड़े ओकरा के? रामपुर के वो घरवा में छिपा के रखा है। अरे साथे जा रहा रास्ता दिखाने के लिए। तो जल्दी पहुंच वहाँ और कब्जा में ले ओकरा के, वो लड़का के कब्जा में आवे बहुत जरूरी बा। सुन ये तो एगो बात तो बताइए ना, तो उन लड़कावा का करना क्या है? ध्यान से सुना। हाँ। बाबू व्यवस्था कहाँ है? बोलिए ना, क्या व्यवस्था किया जाए भैया जी? मैंने अभी तक है नहीं है ना, दो मिनट में सब व्यवस्था हो जाएगी। बट तुम लोग आदत खराब हो गया है, अच्छा खासा मूड का बिंड बजा दिया, दो मिनट में व्यवस्था हो जाएगा। उन्हें वो बिंदुआ गया तो अभी तक फोन नहीं किया, कहाँ फंसा हुआ है? भैया जी अभी ले आते हैं। भोज के टाइम पे कोहड़ा रुपोगे, आदत खराब हो गया है तुम लोग का। कहाँ है वो जो रजनवा खबर लेने गया है? अरे वो अपना रकेशवा गया पता करने के लिए। तो खाली पते करेगा कि कुछ न्यूज़ लाएगा? लीजिए ही आ गया भैया जी, प्रणाम। बड़ा लंबा उम्र है जी, नाम लियो राजी हो गया। क्या खबर लाए हो? हूँ रजन लाल, पिछले कुछ दिन से लगातार चमकी बाई के खोटे पर जाता है, मुझे एक हफ्ते से दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा दिल्ली जा रहा है? मैंने रजन ललवा और चमकी बाई के बीच में कोनो ना कोनो खिचड़ी पक रहा है, साढ़ कोठे पे डुबकी लगा रहा है। तो काम करो, तुम भूत के जैसा उसके पीछे लग जाओ, समझ गए? और घड़ी घड़ी का खबर हमको यहाँ देते रहो। जी भैया। साढ़ वहाँ पे डुबकी लगा रहा है,
हम लोगों को डुबाने के चक्कर में ना हो। मुंह कतक रहे हो, जुगाड़ कहाँ है? बस 2 मिनट में भैया इंतजाम। मैं 2 मिनट होने नहीं लगता। ससुरा दिन में 50 को फोन आता है प्रचार का। पता नहीं अंग्रेजी में कहाँ बड़बड़ा रही है। बीजी बीजी गन में सुनाती नंबरों नहीं याद रहता अब। अच्छा नाचती गाती हो भाई, लेकिन हम खाली नाच गाना सुनने नहीं आए हैं। ये रात तुम्हारा इनाम। उठ जा उठ जा उठ जा आ जा। अरे हमरी जान, आज की रात का तो बहुत दिनों से इंतजार था। और आज की रात तुमने का कमाल का नाचा, एकदम कटीली नचिनिया जैसा नाची हो तुम एकदम। इतना बिजली गिराओगी ना तो भाई हम तो क्या बताएं, हमारी तो जाने निकल जाएगी। इतना आसानी से नहीं निकलने देंगे आपकी जान, अपने कब्जे में जो रखे हैं। हाय 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 हाय, ये कह के तो हमारा करेजा में गोली मार दिया तुमने। तेरी तो मानेगा नहीं। काय रे, हाँ? काय साला, काय परेशान कर रहा हमको? जानते नहीं क्या क्या कर रहे हैं हम?
इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हैं? क्या डिस्टर्ब कर रहा है? अरे भैया जी फोन काटिएगा मत, फोन काटिएगा मत, हमको जरूरी बात करनी है। हाँ बाग 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 बोल। भैया जी बिंदा को पता चल गया है कि विजयकांत वो व्यापारी का लिखा को कहाँ छुपा के रखा है। क्या बक रहे तू? हाँ भैया जी हम कानों से सुनी और आंखों से देखी बात कर रहे हैं, आप कहे तो बता दे पापा को। हाँ उनको तुरंत फोन करके लगा, फोन लगा उनको फोन, इससे पहले कि वो हरामी सब वहाँ पहुंचे ये लोग को सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है भैया जी, ये कहने के लिए तो आपको हम फोन कर रहे थे, अब आप मजा लेती है। ठीक है चल अपना काम पर लग जा। अब बात सुन, अब महाराजगंज में आग भी लग जाए ना तो हमको डिस्टर्ब मत करना। सारी भैया जी। ये सारी कह रहे कहाँ सारी? किसका सारी है? सारी मतलब माफी भैया जी। हाँ ठीक है ठीक है।